दोस्तों, यदि आपके पास भी मंत्रा कंपनी का MF S 100 ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, और फाइनली दोस्तों एक साल के बाद इसका जो सब्सक्रिप्शन रहता है ये एंड हो जाता है, यानी कि एक साल के बाद से फिर से आपको इसको रिन्यू करना पड़ता है। तो दोस्तों, कैसे हम रिन्यू करेंगे इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं, तो वीडियो का आप बिल्कुल स्किप ना करें। ये जो प्रोसेस है दोस्तों, अगर आप चाहेंगे तो मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक कंप्यूटर का यूज किया हुआ है। जब आप ऑनलाइन रिन्यू करेंगे कंप्यूटर से, तो आपको अपने कंप्यूटर में मंत्रा का एक RD सर्विस एप्लीकेशन आता है, उसको आपको सक्सेसफुल इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद से दोस्तों, यानी कि डिवाइस को PC से कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद से लिखना है यहाँ गूगल में मंत्रा RD सर्विस रिन्यूअल और सर्च कर देना है। फर्स्ट में ही देखेंगे आप सर्विको का वेबसाइट आपको नजर आएगा, servico.mantraapp.com और पेमेंट सर्विको। इस वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है और नीचे देखेंगे रेडियम बॉक्स मंत्रा RD सर्विस रिन्यूअल यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, लेकिन ये फेक वेबसाइट रहता है तो इस पे आपको क्लिक नहीं करना है। इसमें पैसा भी ज़्यादा लगेगा और आपका जो सर्विस है ये रिन्यू भी नहीं होगा। तो चलिए अभी हम सर्विको ओरिजिनल वेबसाइट पे क्लिक करके आगे का प्रोसेस बताते हैं। पेज ओपन हो जाता है और यहाँ दो ऑप्शन आता है पेमेंट ऑप्शन का, एक RD सर्विस और एक RMA। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है RD सर्विस पर, और इसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको कंपनी नेम या नेम ऑन इनवॉइस पर आपको अपना यहाँ पे नेम लिख लेना है, और फिर नेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है, और नेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे अपना जीमेल ID फिल कर लेना है, और उसके बाद आता है कॉन्टेक्ट पर्सन। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, और फिर आता है कंपनी GST नंबर, तो इसको आपको छोड़ देना है। एप्लीकेशन नेम आता है तो इसमें अपना नाम भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और नेक्स्ट बॉक्स में आता है सीरियल नंबर का, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे 4 1 ईयर RD सब्सक्रिप्शन RS 100, और सेकेंड ऑप्शन है 4 1 ईयर RD सब्सक्रिप्शन प्लस वारंटी। टोटल यहाँ पे 250 रुपये लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका एक साल का वारंटी भी मिलेगा। तो हमको सिर्फ यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ही लेना है, तो यहाँ पे अभी हम टिक करेंगे 4 1 ईयर RD सब्सक्रिप्शन। जैसे हम क्लिक करते हैं, स्क्रीन पे एक पॉपअप मैसेज आता है servico.mantraapp.com सेज एड सीरियल नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहले एड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे दोस्तों आपको अपना डिवाइस का सीरियल नंबर इंटर करना है। और यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ सीरियल नंबर कहाँ मिल जाएगा, डिवाइस के जस्ट आपको पीछे साइड में मिल जाता है सीरियल नंबर, या फिर आपके पास जो एंड्रॉयड मोबाइल है उसमें एक एप्लीकेशन जो आता है, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ भी है ओपन मंत्रा RD सर्विस एप्लीकेशन कनेक्ट डिवाइस MF S 100। ये आपका डिवाइस एक बार कनेक्ट करिएगा फिंगरप्रिंट सेंसर को, यहाँ पे भी आपको सीरियल नंबर दिख जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अभी हम अपना सीरियल नंबर इंटर करके एड पे क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पे आपको मंत्रा की तरफ से एक मैसेज आता है कि आप सीरियल नंबर अपना यहाँ पे सही डालिएगा, नहीं तो अगर गलत डालने के बाद से दोस्तों पैसा भी रिफंड नहीं होगा, बाद में कोई करेक्शन भी नहीं होगा। तो सीरियल नंबर अपना यहाँ पे आपको देख के इंटर कर लेना है, और फाइनली यहाँ पे ओके पर क्लिक कर लेना है, और उसके बाद से दोस्तों आपका यहाँ पे सीरियल नंबर एड हो जाता है। फाइनली जब सीरियल नंबर एड हो जाता है बॉक्स में, तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही हम 4 1 ईयर RD सब्सक्रिप्शन वाले बॉक्स में क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे येलो कलर का एक टिक बन जाता है, और उसके बाद से देखिएगा नीचे यहाँ पे आपको अमाउंट और GST परसेंटेज जो आता है 18 रुपया, यानी कि टोटल अमाउंट यहाँ शो कर जाएगा दोस्तों 118 रुपया। और यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद से आप अपने एरिया का सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा, यानी कि जो भी आप सिटी में रहते हैं, फिर पोस्टल एड्रेस जिस जगह पे आप रहते हैं अपने एरिया का नाम लिख लीजिएगा, और यहाँ पे ऑप्शन आता है पे फोर, तो यहाँ पे आपको RD सर्विस रिन्यूअल लिख लेना है, फिर अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे आपको बॉक्स में इंटर कर लेना है। इसके बाद आपको फाइनली पे नाउ पे क्लिक कर देना है, और दोस्तों पे नाउ पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे टर्म ऑफ यूज का ऑप्शन आता है, यानी टर्म कंडीशन आता है, तो अगर आप चाहें तो इसका टर्म कंडीशन पढ़ सकते हैं, नहीं तो फाइनली आपको एक्सेप्ट का बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। इसके बाद पेज रीडायरेक्ट हो जाता है और ये पेमेंट पे ऑप्शन पे चला जाता है, और यहाँ पे आपको पेमेंट करने का बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, जैसे कि UPI वॉलेट, क्रेडिट डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हम UPI करने वाले हैं, यहाँ पे अभी हमको स्कैन QR का ऑप्शन मिल रहा है,
तो स्कैन क्यूआर पे क्लिक करेंगे और इसके जस्ट बगल में दोस्तों जेनरेट क्यूआर का यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो जेनरेट क्यूआर पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे क्यूआर कोड डायरेक्ट ओपन हो जाता है। और यहाँ पे देखिए स्कैन द क्यूआर कोड एंड पे 118 यूजिंग एप्स इनेबल विथ यूपीआई या यूपीआई क्यूआर। यहाँ पे दोस्तों आप फोन पे या पेटीएम गूगल पे जो भी है आपके पास आप यहां से स्कैन करके डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। आपका 118 रुपये कटेगा और जो स्क्रीन पर टाइमर चलता है उसके अंदर ही आपको पेमेंट कर देना है समाप्त होने से पहले। और जैसे ही आप फाइनल पेमेंट करते हैं आपका कंप्यूटर के स्क्रीन पर लिखा जाएगा PUBG प्लीज़ डू नॉट हिट रिफ्रेश या बैक बटन या क्लोज दिस विंडो। और फाइनली देखिएगा दोस्तों कुछ ही देर में आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। आईडी सब्सक्रिप्शन सक्सेसफुल और आपका यहाँ एक्सपायरेशन डेट फिर से लिख के आ जाएगा, ट्रांजेक्शन आईडी लिख के आ जाएगा और स्टेटस सक्सेस यहाँ पे दिख जाएगा। और उसके बाद से दोस्तों आप इस रिसिप्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डाउनलोड रिसिप्ट का बटन मिलेगा तो इस पे आपको क्लिक करना है और फाइनली दोस्तों इस पेमेंट रिसिप्ट को आपको सेव करके रख लेना है। तो ये था दोस्तों कंप्लीट प्रोसेस। अगर आपके पास भी मंत्रा का फिंगरप्रिंट डिवाइस है और अगर सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो जाता है तो इस तरह से आप फिर से रिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और जो बगल में घंटी का आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपडेट करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती है किसी नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।